हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं वापस आ गया एक और न्यू व्लॉग के साथ। तो गाइस, आज यहाँ का नेशनल डे सिंगापुर का, तो मैं वही सेलिब्रेट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ का नेशनल डे कैसे सेलिब्रेट करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद नाइट में फायर शो होगा और परेड होने के बाद रिहर्सल, शायद परेड में एंट्री मिले या नहीं मिले देखते जाके, मिल जाएगी तो अंदर जाएंगे। और फ्लैग शो होगा जो हेलीकॉप्टर से होगा, वो भी दिखाऊंगा। तो आइए चलते और देखते हैं गाइस। तो अभी फ्लैग शो होने वाला है तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो बहुत रिस्ट्रिक्शन है उन्होंने, बाहर से देख सकते, पूरे बैरिकेड्स लगा सकते दिए हैं, तो देखना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन फायर शो होगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा। और अभी तो बहुत लोग भीड़ भाड़ के पीछे, न्यूज़ वाले, कैमरा वाले बहुत खड़े हैं। तो देखते हैं अभी कब स्टार्ट होगा। 7:30 बजे का टाइम है, तो अभी तो देखते हैं जब भी स्टार्ट होगा। अगर आपको देखना हो तो यहीं से देख सकते हो। अंदर जाना तो एंट्री अलाउ नहीं है, तो सब लोग यहीं खड़े ज़्यादातर और यहीं से देख रहे हैं। तो अपन भी यहीं से देखते हैं, क्योंकि उधर तो इतने इतने बड़े बैरिकेड्स लगा दिए, देखना बहुत मुश्किल होगा। तो अगर देखते हेलीकॉप्टर आएँगे और फ्लैग लेके, तो यहीं से देख लेंगे। और नाइट में फायर शो होगा तो फायर शो भी देखेंगे। तो ठीक है, इस बार कोविड की वजह से इसलिए इतने सारे रिस्ट्रिक्शन है, अदरवाइज इतना नहीं होता, सबको देखने देते हैं। लेकिन इस बार सेलिब्रेट जरूर कर रहे हैं, पिछले साल इन्होंने नहीं किया था लेकिन इस बार कर रहे हैं। तो देखते हैं जितना भी देखने को मिलेगा। 7:30 का है शायद, तो ठीक है। Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on and on we'll go. Oh,
Thank you.
गाइस तो ये था फायर शो और हो गया पूरा फायर शो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो भाई सब्सक्राइब करके जाना और लाइक शेयर कमेंट भी कर देना जो भी ठीक लगे। अगर आपको लगे ऐसा अच्छा था तो ठीक है। ये सिंगापुर का नेशनल डे था और इन्होंने 9 अगस्त को था लेकिन लेट सेलिब्रेट किया है। क्राउड तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, अभी भी मेरे पीछे भीड़ देख ही रहे होंगे और इधर भी पूरा फुल भरा पड़ा है क्योंकि इन्होंने जिस दिन से नेशनल डे था उस दिन सेलिब्रेट नहीं किया क्योंकि उस समय लॉकडाउन लगा था और अभी नॉर्मल थर्ड फेस ओपन किया है इन्होंने तो सेलिब्रेट किया था। बाकी तो ठीक था क्योंकि एंट्री किसी को अलाउ नहीं थी, अगर अंदर नहीं जा सकते थे, अंदर केवल यहाँ के लोकल्स को, कुछ लोकल्स को 500-600 लोगों को अलाउ किया था, बाकी को नहीं किया। तो ये था आज का ब्लॉग, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय हिंद।